शराब की दुकान के सेल्समैन ने नाबालिग को किया दुकान में बंद। 4 घंटे बाद पुलिस ने छुड़ाया। गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान में की तोड़फोड़। बड़गांव कस्बे में शुक्रवार दोपहर मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जा रही 13 वर्षीय नाबालिग को ठेके का सेल्समैन बूटा सिंह पुत्र रावत सिंह बाड़मेर ने पकड़कर दुकान के अंदर ले गया और शटर गिराया। उपस्थित कुछ लोगों ने यह सब देखा और तुरंत ही दुकान को घेरते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग को दुकान में शराब रखने के फर्नीचर छुपा दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग की खोजबीन की तो दुकान में कहीं ना मिला। फिर आरोपी को पुलिस चौकी ले जाकर गहनता से पूछताछ की। उसने बताया कि नाबालिग को शराब रखने के फर्नीचर में छुपा रखा है। तकरीबन 4 घंटे बाद पुलिस ने नाबालिग को दुकान से सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि दुकान सेल्समैन ने नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म की आशंका पर बच्ची की मेडिकल जांच करवाई जा रही। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता लगा दुष्कर्म हुआ है या नहीं। शनिवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़, पुलिस पर की पत्थरबाजी। मामले को बढ़ते हुए देखकर थानाधिकारी ने करणा सहित पुलिस जाब्ता मंगवाया। एडिशनल SP दशरथ सिंह, डिप्टी रतनलाल, थानाधिकारी पद्मा राम राणा सहित करणा पुलिस का जाब्ता और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों में मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। गेट बंद करनो भंगारो फोन आयो कसा कर जी हाँ
तीन घंटे से लड़की अंदर है और वो क्या बोलते हैं भाई तो इतना मिलते हैं माए सी साहब का पहले आए हुए से सब पहला है भाई बड़ो मत भी कार्रवाई भाई ठीक है सिया साहब आए ना छोकरी तो बुंगले ब्रो हां ये भी किया तो जरका नहीं देखी बैठ ले लिया मन खबर नहीं का बाबा पीला हो गया ये गाड़ी आवे साइड पे गाड़ी आवे प्रकरण को लेकर क्या घटना थी कैसे हुआ इसके बारे में आज बड़गांव में ये शराब का ठेका है जिसको ये सामने गर्भ जाति के और पूरी जाति के 15-20 सारे लोगों को उनकी महिलाएं और लड़के आए जिन्होंने ये दुकान के पास में एक दूसरा कारखाना है कबाड़ का जिसका दरवाज़ा तोड़ करके साइड का दरवाज़ा तोड़ा फिर दारू बाहर निकाला और लड़के के रोड पर दारू का पड़ा और दुकान के अंदर भी तोड़ फोड़ की और रोड पर भी की जिसका इनके जो जिनको लाइसेंस डाली उनके द्वारा जैसा FIR दी जाएगी मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जाएगी मौके पर जब्त तैनात है काम किया। खबर भारतवर्ष के लिए रानीवाड़ा जालौर राजस्थान से विक्रम लखारा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।